मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक की वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। और ये डिजाइन मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ और इसकी ओपनिंग बैक साइड में। तो देखिए, सबसे पहले ये लेस ली है मैंने और ये ब्लाउज मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ब्लाउज है, इसको साइड में रख देते हैं और जो अस्तर है इसका मेजरमेंट बताती हूँ। देखिए ये 14 इंच मैंने लंबाई ली है, 14 इंच। और देखिए 34 साइज का है ये तैयार में हमारा, 8.5 इंच आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो देखिए जब हम यहाँ पर तैयार करेंगे तो इतना साइज रहेगा। शोल्डर 6 इंच, मुड्डे 6 इंच। और अभी नेक डिजाइन के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये नेक हमारा ब्रॉड हुआ क्योंकि ये पॉट नेक है, तो शोल्डर से 3.5 इंच ले लें और लंबाई आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैंने ये 11 इंच लिया और इस तरह से एक बॉक्स बना दिया है। और अभी हम डिजाइन देते हैं। तो देखिए उसके लिए शोल्डर से यहाँ पर 3.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर देते हैं और मार्किंग जो है ज़्यादा नहीं, 1 इंच के आसपास हमको अंदर की साइड लेना है। और अभी नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो शोल्डर से है ये इस तरह से आएगा, जो हमने यहाँ पर 1 इंच लिया है, और यहाँ से हमारा इस तरह से ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये, और सेम डॉट पे इसको कट हम कैनवास कट कर लेंगे। हमने जो इसकी चौड़ाई लेंगे 1 इंच लेंगे और सेम डॉट पे इसको कट कर लेते हैं, कट कर लिया। अभी आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ, मैं इसमें नेक पट्टी यूज नहीं कर रही हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज मैंने सीधा रख लिया है और ये जो हमारा अस्तर का ड्राफ्ट है इस तरह से सेट कर देंगे, और जो हमने कैनवास लिया है उसको इस तरह से सेट कर देंगे यहाँ पर। और जिसमें हम डोरी लगाने वाले हैं, तो डोरी की डोरी जो हमने यहाँ पे शोल्डर से 3.5 इंच लिया था, तो ये ब्लाउज के नीचे हम यहाँ पर डोरी को रख लेंगे और कैनवास, डोरी और अस्तर तीनों के साथ एक साथ ही हम इसमें सिलाई डाल देंगे। इसके बाद नेक को कट कर देंगे, इसको पलट के फिनिशिंग करेंगे, फिर इसको लेस लगा के डिजाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था नीचे ब्लाउज रखा है और नीचे उसके नीचे मैंने डोरी रखी थी, ऊपर से लाइनिंग और ये कैनवास, यहाँ से लेके मैंने पूरा यहाँ तक स्टिच कर दिया है। और अभी हम नेक को कट कर देते हैं। जैसे प्लेट डालते हैं वो प्लेट डाल दिए, नीचे की फिनिशिंग दे दूंगी। और देखिए ये मैंने जो लेस ली है ये राइट साइड का पार्ट है, तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके जो हमारी कमर है पट्टी यहाँ से लेके पूरे नेक को अटैच कर देंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको खाली यहाँ तक ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने डबल स्टिच डाल दी है और नीचे जैसे फिनिशिंग देते हैं वैसे फिनिशिंग दे दी है, बाद में तुरपाई कर दूंगी। और इसी तरह मैंने दूसरा साइड का पीस तैयार कर लिया था। तो आप देख सकते हैं सिंपल है लेकिन कितना अच्छा डिजाइन है। और देखिए इसी ब्लाउज के लिए मैंने ये लटकन बनाया, ये लटकन कैसे बनाया आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए इसी ब्लाउज का मैंने कटिंग का वीडियो भी डाला था और आज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप नॉर्मल नेक से तो बोर हुए होंगे राउंड नेक स्क्वायर नेक से, तो आज मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है और जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं उसे। तो देखिए इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो भी आप देख ले। और देखिए ये हमारा ब्लाउज है और ये अस्तर है, तो सबसे पहले हम जो डिजाइन है ये अस्तर पर कट कर लेंगे और उसके बाद हम ड्राफ्ट रख के ब्लाउज पर। तो देखिए इस ब्लाउज में मैंने डोरी भी डालूंगी और उसके लिए हम नेक की कटिंग करते हैं। तो जो नेक है मैंने वीडियो में बताया था ये मैंने 2 इंच लिया था, लेकिन मैं इसमें डोरी डालने वाली हूँ तो इसको 2.5 इंच ले लें। और जैसे कि आप कम डीप पहनते हैं या ज़्यादा पहनते हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं इसको डीप कर रही हूँ, मैंने 11 इंच लिया है लेकिन तैयार में ये 10.5 इंच आएगा।
शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से शोल्डर से ऊपर से लेंगे और नीचे आके इसको थोड़ा ब्रॉड कर देंगे। जैसे मैंने ये डीप लिया है, ब्रॉड लिया है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की, आप लाइन के अंदर भी इसको बना सकते हैं। यही मैंने कैनवास पेपर लिया है और जो ये ड्राफ्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पे इसके इस तरह से सेट कर देंगे। अभी जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच लेंगे। पहले हम एक सेम ड्राफ्ट में कट, और देखिए सबसे पहले नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है। इसके ऊपर जो हमारा ये ड्राफ्ट है लाइनिंग का, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से सेट कर लेते हैं। और देखिए मैं इसमें डोरी भी लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने सुंदर से लटकन बनाए, इसका भी रेप मैंने डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। और इस डोरी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो उसका पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से हम 3 इंच लेंगे, 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे दोनों साइडों में। इससे क्या है, हमारी डोरी बराबर से सेट हो जाएगी। और डोरी को, ब्लाउज जो हमारा है ये सीधा है, इसके अंदर ही हम डोरी को यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर। और अभी जो कैनवास लिया है इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और पूरे नेक को हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने का जो नेक है इसको कट कर देंगे और पलट के इसकी फिनिशिंग देंगे। उसके बाद मैं इसमें डिजाइन देने वाली हूँ। तो देखिए सिंपल सी डिजाइन है, और जैसे हमारे ब्लाउज में ये गोल्ड कलर है, तो वैसे ही मैंने कपड़ा लेके ये इस तरह की मैंने डोरी बनाई है। और इसके लिए मैंने 1 इंच कपड़ा लिया था, जैसे इस तरह के कपड़े बचते हैं, तो इसमें से हम 1 इंच लेके और इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई डाल के इसको पलट दिया है। और इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए एक मैंने ये गोल्ड कलर बनाया और एक सेम ब्लू कलर जो ब्लाउज है वो बनाया। तो पहले नेक को तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसको डिजाइन देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया, डोरी भी दोनों साइडों में लगा दी है, और मैंने कमर में भी यहाँ से भी स्टिच कर लिया। और सबसे पहले हम नेक को कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको पलट के फिनिशिंग देंगे। मैंने प्लेट की मार्किंग की थी, इस मार्किंग को प्लेट डाल देते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो मैंने ये डोरी कट की थी उसके टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। आपको ये देखिए 2 इंच मैंने लंबे ही पट्टी कट कर लिए हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। और अब इनको अटैच करना बता रही हूँ। तो ये एक साइड से हम तैयार करते हैं। तो देखिए डोरी को हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे शोल्डर पर, और यहाँ पर इस तरह से हम इसमें सेट कर देंगे। 1/2 इंच के आसपास हमने बाहर की साइड निकाला है डोरी को, और फिर से हम दूसरी डोरी लेंगे इसी तरह से। और जितनी हमने बाहर की तरफ निकाली है उतना ही इसमें 1/2 इंच का इसमें गैप देते जाएंगे जो डोरी लगाएंगे। और फिर से इसी तरह से लेंगे, इसी तरह मैं पूरे नेक में ही डोरी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये सिलाई मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी है, सारी डिजाइन तैयार कर दी है। जो एक मैंने ब्लाउज के कलर की डोरी बनाई थी इसको तैयार, इसमें मैंने सुई में डाल दिया है। और देखिए यहाँ इसे क्या है, निकालने में आसानी रहेगी। और सुई को हम इस तरह से निकालते हुए जाएंगे, सुई को इस तरह से हम निकालते हुए जाएंगे, सुई को उल्टा पकड़े नहीं तो हाथ में सुई आती है, और इसको इस तरह से खींचते जाएंगे तो ये डोरी हमारी देखिए इस तरह से आराम से खींचती हुई जाएगी। इसी तरह मैं पूरे यहाँ तक डाल देती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरी डोरी इस तरह से यहाँ निकाल दी है, जो एक्स्ट्रा डोरी थी वो मैंने कट कर दिया है। जब मैं आगे का पार्ट तैयार करूंगी तो ये उसमें शोल्डर पे स्टिचिंग में आ जाएंगे दोनों साइड के पार्ट। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा डिजाइन है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से ब्लाउज की बैक डिजाइन बना सकते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।